नमस्कार दोस्तों, स्वेटमेट नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 12 अप्रैल को जो आदर्श ग्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी का गुड़गांव सेशन कोर्ट में जो पेशी थी, उसमें दोनों साइड के आर्गुमेंट को जो है वो कंक्लूड कर लिया गया है। दोनों साइड के आर्गुमेंट सुन लिए गए हैं और माननीय न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित रखा है, जिसकी सुनवाई की तारीख इन्होंने 20 तारीख रखी है। 20 तारीख को माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएंगी। फैसला किसी के भी हक में हो सकता है। अगर फैसला आदर्श के हक में होता है तो उनको यह भी छूट मिल सकती है कि वो एनसीआर से बाहर जा सकते हैं, अगर इनके हक में फैसला होता है तो। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो केस है, ये सिर्फ 200 करोड़ के एक लोन को लेकर है, जो एसएफआईओ ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आरोप लगाया है कि इन्होंने 200 करोड़ के लोन में कोई फर्जीवाड़ा किया है, ठीक है ना सर। लेकिन इससे भी बड़ा जो फैसला आना बाकी है, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक अर्जी लगा रखी है उसका है, जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ये अर्जी लगाई है कि वो संपत्तियों को बेचने के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट से क्लियरेंस चाहते हैं। अगर ये एनसीएलटी की, इसे एनसीएलटी बोला जाता है, एनसीएलटी की क्लियरेंस अगर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट से मिल जाती है तो उसको संपत्तियों को सेल करने का राइट मिल जाएगा और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कंपनी की संपत्ति है उनको वो बेच सकती है, और वो संपत्तियां जब बिकेंगी और उनसे जो पैसा आएगा उसी से ही आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पेंडिंग ड्यूज चल रहे हैं, जो मैच्योरिटी का पैसा वो अभी दे नहीं पा रही है, वो देगी। तो उसकी डेट जो है वो मई में है, 22 मई को वो डेट फिक्स की गई है, जिसमें चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो आर्गुमेंट्स आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सुनेगी और वो सही समझेगी तो आगे की डेट लगेगी या कुछ डेट के बाद फैसला सुनाया जाएगा। तो वो एक मेन जो है केस है, इस केस से बरी हो जाते हैं तो उस केस से उनको क्लियरेंस मिलनी सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्लियरेंस मिलेगी तभी वो अपनी संपत्तियों को बेच पाएंगे और लोगों का पैसा चुका पाएंगे। तो वो 22 तारीख को है, 22 मई को है, उसका इंतजार हमें ज्यादा है। 20 तारीख को ठीक है जो फैसला सुनाया जाएगा, और वो अगर आदर्श के हक में होता है तो वो एनसीआर से बाहर जाकर अपना आगे का प्रोसेस चला सकते हैं। लेकिन मेन फैसला जो है वो चंडीगढ़ हाईकोर्ट को देना है, वहीं से एनसीएलटी की क्लियरेंस मिलेगी और वो अपनी संपत्तियों को बेचने का अधिकार उसको प्राप्त होगा और वो आगे जाकर संपत्ति को बेचकर लोगों का पैसा लुटाएगी। आगे भी कोई इसी तरह की कोई न्यूज होगी तो मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और कोई भी आपका कमेंट है तो वो मुझे बताएं, मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा।